भाई भाई क्या हुआ, क्या क्यों इतना नाच रहे हो? क्योंकि YT स्टूडियो ने एक ऐसा अपडेट दिया है, वो देख के छोटे से लेके बड़ा यूट्यूबर भी खुश हो जाएगा और मेरे जैसा नाचने घूमने लगेगा। इतना खुश होने वाला कौन सा अपडेट दिया है YT स्टूडियो ने, जरा मुझे भी बताओ। हाँ तो सुनो, इस अपडेट के बाद हमें कंटेंट ढूंढने के लिए दिमाग पे जोर देने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि YouTube हमें खुद कंटेंट ढूंढ के देने वाला है और हमारा वीडियो वायरल करने वाला है। और जब उस कंटेंट पे हम लोगों ने वीडियो बनाया ना, तो YouTube 100% वो वीडियो मिलियन पार करवा देगी, वायरल करवा देगी। क्या बहुत अच्छी बात है, पर YouTube हमें कंटेंट देगा कैसे? अबे क्यों टेंशन ले रहा है भाई, मैं हूं ना, आओ दिखाता हूं। तो है वेलकम टू गाइस, फिर से एक बार स्वागत है एक ब्रांड न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ वापस। तो गाइस आज मैं आप लोग को ऐसी ट्रिक लेके आया हूं, वो ट्रिक करके मनोज दे, केरी मिनाटी, फुकरा इंसान, मिस्टर इंडियन हैकर, उनके जैसे मिलियंस पार वीडियो में व्यू ला पाएंगे। खाली एक इस ट्रिक का यूज करके आप मिलियंस पार में अपने वीडियो को व्यू ला पाएंगे, क्योंकि इस अपडेट ने यूट्यूब वालों ने एक ऐसी ट्रिक दी है, वो ट्रिक का यूज करके अपने वीडियो तुरंत वायरल जाएंगे। क्योंकि हमें आज से कंटेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, कंटेंट के लिए दिमाग पे जोर देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि YT स्टूडियो पे हमें कंटेंट ढूंढ के देने वाला है यूट्यूब। हमें कंटेंट की जरूरत नहीं है, अभी खुद यूट्यूब हमें कंटेंट ढूंढ के देने वाला है और उस कंटेंट पे वीडियो जब हम बनाएंगे तब तुरंत ही मिलियन पार व्यूज आएंगे, बहुत व्यूज आएंगे, और व्यूज आएंगे तो पैसा भी आएगा। तो चलिए दिखाता हूं आप लोगों को वो कंटेंट कैसे ढूंढना है, तो चलिए देखते हैं वो कंटेंट कैसे ढूंढेंगे। सो हे वेलकम टू गाइज, अभी आ चुके हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे। मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद YT स्टूडियो ऐप दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर लेना है। YT स्टूडियो ऐप पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, एनालिटिक्स के ऊपर क्लिक करना है। जो मीडियम साइज में एनालिटिक दिख रहा है, मीडियम में है, दिख रहा है आपको फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पे एनालिटिक्स दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद उधर दिख रहा होगा आप लोग रिसर्च नेम दिख रहा होगा, दाहिने साइड में रिसर्च नेम पहले ही है, फर्स्ट वाला रिसर्च नेम, उस पर क्लिक करना है। रिसर्च नेम पे क्लिक करने के बाद इधर मेन प्रोसेस चालू होती है। आपको अभी दिखा रहा हूं मैं टॉप सर्चेस का मतलब है, नीचे के ऑप्शन में दिख रहा है आपको टॉप सर्चेस का मतलब है आपकी जो ऑडियंस है वो क्या सर्च कर रही है, इसका मतलब है जो आपकी ऑडियंस है वो क्या सर्च कर रही है। तो मेरी ऑडियंस इधर सर्च कर रही है प्रैंक वीडियो, फनी इंडियन लेटेस्ट कॉमेडी शॉर्ट वीडियो, इंस्टाग्राम रील्स, मराठी कॉमेडी वीडियो, साहिल फनी वीडियो, ऐसी मेरी ऑडियंस ये सब कुछ सर्च कर रही है। तो आप लोग भी एनालिटिक्स में जाके, इस ऑप्शन पे जाके आप लोग भी देख सकते हो कि आपकी ऑडियंस क्या सर्च कर रही है और उसके ऊपर आप लोग भी वीडियो बना सकते हो। अब मेरी ऑडियंस इधर सर्च कर रही है ना प्रैंक वीडियो फनी इंडियन लेटेस्ट, तो मैंने प्रैंक वीडियो फनी इंडियन ऐसे कैप्शन लगा के मैंने वीडियो अपलोड की और उस टॉपिक पे मैंने वीडियो बना के अपलोड की, तो मेरी भी वायरल जा सकती है और जाएगी 100%। तो इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे भी आप लोगों को वीडियो बनाना है और मेन हमारा टॉपिक, हम जो जिस काम के लिए आए हैं वो टॉपिक अभी स्टार्ट करते हैं, मेन प्रोसेस हमारी। रिसर्च में आने के बाद इधर ऊपर ही ऑप्शन दिखाई देगा होगा सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करने के बाद देखो इधर मेन प्रोसेस, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, देख ले, ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या बोलता हूँ। सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सर्च क्या करना है, जो अपने को जिस कंटेंट पे वीडियो बनाना है वही आपको सर्च करना है। मतलब हमें एक्सपीरियंस पे कंटेंट पे वीडियो बनाना है, कॉमेडी के कंटेंट पे वीडियो बनाना है, टेक कैटेगरी के कंटेंट पे वीडियो बनाना है, फनी कैटेगरी के कंटेंट पे वीडियो बनाना है, हमें इमोशनल कैटेगरी के कंटेंट पे वीडियो बनाना है, तो उस कैटेगरी का नाम इधर सर्च करना है। तो फिलहाल मुझे फूड, खाने के कंटेंट पे वीडियो बनाना है, मतलब फूड इंग्लिश में उसे बोलते हैं फूड, तो फूड में इधर सर्च कर लेता हूँ। फूड सर्च करने के बाद तुरंत ऐसा इंटरफेस आएगा, तो देख सकते हो इधर नीचे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर्च ऑन यूट्यूब, ये दिखाई दे रहा है आपको सर्च ऑन यूट्यूब, तो सिंपली आपको सर्च ऑन यूट्यूब पे क्लिक कर लेना है और अब पूरा खजाना आपके सामने आएगा। सर्च ऑन यूट्यूब पे क्लिक करने के बाद पूरा खजाना आपके सामने आएगा, जो हमें चाहिए होता है, चाहिए था हमें जो, वही आपने आपके सामने आया है, देख सकते हो आप लोग। हमें वीडियो बनाना है, हमें कंटेंट ढूंढ के देने वाला था यूट्यूब, तो यूट्यूब ने हमें कंटेंट दे दिया है, देख सकते हो पहला कंटेंट है हमारा, ये सारे कंटेंट है। इस पे बोलता है यूट्यूब कि इस सारे कंटेंट पे वीडियो बनाओ, क्योंकि ऑडियंस है, मतलब यूट्यूब पे जितने भी लोग है, काफी लोग है यूट्यूब पे, आपको पता ही है कितने करोड़ों में लोग है यूट्यूब पे, तो करोड़ों में लोगों पे से आधी आधी पब्लिक क्या सर्च कर रही है, फूड चैलेंज,
यूट्यूब पे उनको क्या चाहिए, फूड चैलेंज वाली वीडियो चाहिए, हाउ टू मेक फूड फॉर डिनर ऐसे सर्च कर रहे और उनको वीडियो मिल नहीं रहे, इसलिए यूट्यूब बोलता है कि मिल नहीं रहे वीडियो, इसलिए आप लोग बनाओ तभी आपका वीडियो वायरल होंगे। जब हमें कोई भी शख्स मिलता नहीं तो हम उसे ढूंढते हैं, तो हमें जो ढूंढ कर देता है उसके लिए हम उसको थैंक यू बोलते हैं या कुछ बोलते हैं। तो ऐसे यूट्यूब हमें क्या बोलने वाला है, देखो कि आप लोग ये ऑडियंस को वीडियो नहीं मिल रहे तो आप लोग वीडियो बनाओ, आपको थैंक यू के मुताबिक आपको व्यू मिलेगा, जो हमें हम लोग उस अगले इंसान को थैंक यू बोलते हैं, तो यूट्यूब हमें थैंक यू के अलावा व्यू देगा। देख सकते हो आप लोग, पहला कंटेंट मेरे को यूट्यूब बोल रहा है कि फूड चैलेंज, मतलब फूड खाने पे चैलेंज बनाओ, खाने के ऊपर चैलेंज बनाओ, ऐसे वैसे चैलेंज होते हैं ना वो वाले वीडियो बनाओ, आपका वीडियो जल्दी वायरल हो जाएगा। दूसरा हमें कंटेंट दे रहा है ईटिंग चैलेंज, मतलब वही खाने के ऊपर वीडियो बनाओ, वही क्योंकि मैंने फूड सर्च किया है तो ऐसे नए नए कंटेंट इधर सर्च हो गए हैं जो यूट्यूब हमें बोलता है कि इस कंटेंट पे वीडियो बनाओ। तीसरा कंटेंट है हाउ टू मेक फूड फॉर डिनर, इसका मतलब है रात को खाने के लिए कौन सा खाना बनाए, तो इधर यूट्यूब पे जितनी ऑडियंस है वो सर्च कर रही है कि रात के खाने के लिए कौन सा खाना बनाऊं। तो आप लोग को भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, कैसे बनाना है वो आपको पता है, आपको पता होगा कैसे बनाना है, तो इस टॉपिक पे वो वीडियो बनाना है, रात के खाने के लिए कौन सा खाना बनाया है, आपको कौन सा अच्छा लगता है वो आपको ऑडियंस को देनी है कि ये खाना बनाओ वो खाना बनाओ, आपका वीडियो 100% वायरल हो जाएगा। चौथा हमारा टॉपिक है पीपल ईटिंग फॉर आंस वीडियो, मतलब इसका मतलब है लोग खाने कैसे खाते है, तो सिंपल सी बात है ना, लोग कैसे खाने खाते है वही आपको वीडियो अपलोड करके डालना है, आपका वीडियो तुरंत वायरल हो जाएगा। ये देख सकते हो कितने इधर कंटेंट है, कंटेंट कितने यूट्यूब ने हमें दिए हैं, और इधर का कंटेंट दिखाई, ये दिख रहा है 7 वाला कंटेंट जो कुकिंग फूड रेसिपीज एट होम, कुकिंग फूड रेसिपी एज होम, मतलब घर पर खाना पकाने की रेसिपी। तो आपको इस टॉपिक पे ऊपर वीडियो बनाना है, घर पर खाना पकाने की रेसिपी, सिंपल है ना भाई, आप जो घर पे खाते हो वही आपको ऑडियंस को दिखाना है, ऑडियंस वैसे ही खाना पकाएगी और आपको व्यू मिलेगा, व्यू मिला यानी पैसा मिला, चैनल मोनेटाइज हुआ, नए यूट्यूबर के लिए भी ये मोनेटाइज होने के लिए अच्छा आइडिया है, और जो मोनेटाइज है ऑलरेडी उनको यूट्यूब ये वीडियो डालने के बाद व्यू मिलेंगे, व्यू मतलब पैसा। तो यूट्यूब पे पैसा कैसे कमाए उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है मैंने, तो आप लोग को जाके देख सकते हो। फिलहाल हम लोग आए हैं इस अपडेट के पास, तो आपको मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी और समझ आई होगी कि कैसे वीडियो बनाना है, मैं आप लोगों को बता दिया है कि वीडियो कैसे बनाना है। तो फिलहाल मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि मेरे काफी वीडियो आप लोग के सामने आ जाए और आपको इन्फॉर्मेशन मिले। तो ऐसे ही नए नए टिक्स में देते ही रहूंगा, ट्रिप्स एंड टिक्स यूट्यूब पे आने के वायरल होने के मैं देता ही रहूंगा, तो वो देखने के लिए मेरी बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।